राम राम, नमस्कार, केम चो, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त ओजू प्रेज आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू अपडेट वीडियो लेके। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हैलोवीन अपडेट के बारे में। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा दैट एक न्यू टाउन हॉल 15 का फैन डिजाइन आर्ट है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में टोटल आपको ऐसी 10 चीजें मैं बताने वाला हूं जो हमें अपकमिंग अपडेट्स में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आज पता चलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट कर तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है एक न्यू सीनरी। भाई, हैलोवीन अपडेट अभी आने ही वाला है, कब आएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि TH15 कब आएगा, बट अभी उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें देखने को मिलने वाली है। तो भाई, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी एक न्यू सीनरी। एंड जब भी हैलोवीन अपडेट आता है तो एक न्यू सीनरी जरूर आती है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे पिछले साल की भी देख सकते हैं हैलोवीन सीनरी। तो एक न्यू सीनरी आना कन्फर्म्ड है, एंड उसकी थीम भी थोड़ी डार्क रहेगी, जैसे कि शैडो सीनरी है, इसी थीम पे कोई एक न्यू सीनरी आएगी। सेकंड चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं और वो है सीजनल ट्रूप्स। सो गाइस, सीजनल ट्रूप्स यहाँ पे आएंगे, एंड सिर्फ एक ही सीजनल ट्रूप आएगा और वो है पम्पकिन बारबेरियन। भाई, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पम्पकिन बारबेरियन को भी। थर्ड चीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि है न्यू हीरो लेवल। भाई, यहाँ पे आप अभी देख सकते हो लेवल 80 यहाँ पे किंग और क्वीन का मैक्स है, एंड लेवल 55 वार्डन का है, लेवल 30 है रॉयल चैंपियन का। तो भाई, यहाँ पे एक नए लेवल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जहाँ पे क्वीन एंड किंग का हो जाएगा लेवल 85, वार्डन का हो जाएगा यहाँ पे भाई 60 समथिंग, एंड रॉयल चैंपियन का आई थिंक 35 या फिर 40 लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगली चीज के बारे में अब हम बात करते हैं, और वो अगली चीज है भाई न्यू स्पेल लेवल। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई बहुत टाइम से स्पेल्स का नया लेवल आया नहीं है और कोई नया स्पेल भी नहीं आया। इधर हमें देखने को मिल सकता है एक नया लेवल स्पेल का, और आई थिंक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी हील स्पेल लेवल 8 का है, अभी वो लेवल 9 का हो जाएगा। इस वीडियो में मेरी जो भी प्रेडिक्शन रहेगी भाई, सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि वो जब प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक निकल के आए तो आप कम से कम मेरे को अप्रिशिएट करने वापस आ सको। तो भाई, अगली चीज के बारे में बात कर लेते हैं, और अगली चीज है न्यू डिफेंस। भाई, यहाँ पे आपको पता ही होगा, अगर आप इवेंट्स में जाएंगे, सॉरी न्यूज में जाके अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे नोट्स में, आपको एक अपकमिंग नेक्स्ट अपडेट नजर आएगा जिसमें बैरक सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टोटल 4 बिल्डिंग्स हमारे बेस से रिमूव हो जाएगी। अब एक बात सोचने वाली है कि भाई, अगर 4 बिल्डिंग रिमूव होगी उसकी जगह फिर 4 बिल्डिंग आएंगी भी, क्योंकि भाई जो जा रहा है वहां से कुछ आएगा भी। तो एक नया डिफेंस टाउन हॉल 14 पे जरूर आएगा, क्योंकि जब भी एक नया टाउन हॉल आता है तो हमें एक नया डिफेंस भी देखने को मिलता है, एंड बहुत टाइम से कोई नया डिफेंस आया नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है दैट एक नया डिफेंस भी हमें देखने को मिले, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जब एक नया डिफेंस आएगा। तो अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो कि और ज्यादा अमेजिंग है भाई, क्लैन कैस्टल का अभी लेवल 10 है, एंड ये बिल्कुल टाउन हॉल 14 की थीम से मैच करता है। ऐसे ही जब टाउन हॉल 15 हमारी गेम में आ जाएगा तो भाई क्लैन कैस्टल का भी एक नया लेवल आएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रूप्स कैपेसिटी और स्पेल स्टोरेज क्या होने वाली है। तो भाई देखो, यहाँ पे ट्रूप्स की कैपेसिटी 50 या फिर 55 समथिंग हो जाएगी, स्पेल्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो 4 हो जाएगी। तो भाई काफी ज्यादा अमेजिंग और ओपी हो जाएगा हमारे लिए, बट जो सीज मशीन रहती है उसकी कैपेसिटी भाई सेम रहने वाली है। वो मुझे नहीं लगता कि भाई कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज दो दो सीज मशीन एक अटैक में कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। अगली इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, न्यू ऑब्स्टैकल। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा भाई दैट हर बार हैलोवीन पे एक नया ऑब्स्टैकल आता है। आप कुछ प्रीवियस ऑब्स्टैकल्स भी देख सकते हैं, बट अपकमिंग अपडेट में कौन सा ऑब्स्टैकल आएगा इस चीज की तो अभी कोई खबर है नहीं, बट हाँ जो भी आएगा काफी अमेजिंग आएगा, तो ऑब्स्टैकल भी काफी हद तक कंफर्म्ड है ही। अगली चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दैट अपडेट डेट क्या हो सकती है। तो भाई देखो, जो हैलोवीन की अपडेट डेट होती है ये मैंने गूगल पे सर्च की थी, एंड गाइस प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे हैलोवीन अपडेट आया था इसकी आप स्क्रीन पे डेट देख सकते हैं, जो कि है भाई 10th to 15th October। तो भाई अभी अक्टूबर स्टार्ट हो ही चुका है, एंड बहुत जल्द हमें हैलोवीन अपडेट देखने को मिलेगा, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको भाई पता चल जाए कि क्या क्या आने वाला है गेम में। अगली चीज के बारे में भाई बात करते हैं, एक नया हीरो और एक नया पेट। नया हीरो और नया पेट आने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि भाई देखो, अब हर दो टाउन हॉल के बाद एक नया हीरो आता है। अभी जैसे TH13 पे हमें रॉयल चैंपियन मिली थी, उससे पहले TH11 पे हमें ग्रैंड वार्डन मिला था, ऐसे भाई TH15 पे हमें एक नया हीरो मिल सकता है और एक नया पेट भी मिल सकता है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो भाई आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें यहाँ पे एक नई लोडिंग स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। अभी क्लैश वेस्ट के टाइम एक नई लोडिंग स्क्रीन थी, उससे पहले जब COC की 10th एनिवर्सरी थी तो एक अलग लोडिंग स्क्रीन थी, एंड जब बहुत सारे चैलेंजेस आए थे तो एक अलग लोडिंग स्क्रीन थी। एक लोडिंग स्क्रीन भी यहाँ पे कंफर्म्ड है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि टाउन हॉल 15 कब आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। जाने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। मैं चलता हूं आपके लिए कोई दूसरी वीडियो बनाने के लिए, तब तक आप खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। थैंक्स, लव यू।